नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जन यात्रा टीवी। शादी की खुशियां बदली मातम में। बता दें कि अयोध्या के एक गांव में हुई दर्दनाक घटना में करंट की चपेट में आए देवर और भाभी की मौत हो गई है। महिला अलमारी से कपड़ा निकाली गई थी, उससे करंट लगा, इस दौरान उसे बचाने आए देवर की भी मौत हो गई। बता दें कि अयोध्या जिले के इनायत नगर थाना क्षेत्र के ग्राम उचाहपाली मजरे पूरे कुर्मी में बुधवार देर रात करंट लगने से देवर और भाभी की मौत हो गई। अलमारी में लगी लाइट का तार कहीं कट गया था, जिसकी वजह से पहले से ही अलमारी में करंट आ गया था और वह अलमारी से चिपक गई। थोड़ी देर बाद जब महिला जमीन पर गिरी तो उसकी आवाज़ महिला के देवर सुनील तिवारी पुत्र प्रमोद तिवारी ने सुना और वो महिला को उठाने लगा। इस दौरान उसका शरीर भी अलमारी से छू गया और उसे भी करंट ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। चीख पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने बिजली आपूर्ति बंद करके दोनों को करंट से छुड़ाया और मिल्कीपुर सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस कर जांच पड़ताल कर रही है। वही पोस्टमार्टम हाउस परिजनों ने बताया कि 3 दिन बाद 20 मई को सुनील की शादी थी। शादी से पहले ही परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बता दें कि मृत महिला खुशबू तिवारी का एक 5 साल का बेटा आरुष है, जो बार बार माँ के पास पहुंचकर माँ को बुलाने की कोशिश कर रहा है। यह नजारा देखकर लोगों के आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। वही जानकारी देते हुए मिल्कीपुर क्षेत्र अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि थाना इनायत नगर थाना क्षेत्र में 2 लोगों की करंट लगने से मृत्यु की घटना में शव को पोस्टमार्टम भेजा गया, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर बाहर से आए थे, बाहर से आए कपड़ा चेंज करने गए, बोर्ड में लगा था चार्जर से वहाँ उसमें उतर गया करंट, तो गिर गई। गिरने के बाद फिर मम्मी गई, देखे तो गिर गई थी, फिर भाई ने गया, फिर गया छुड़ाने के चक्कर में वो अलमारी में हाथ को चपक गया, चपकने के बाद वो भी उसी यहाँ गिर गया। गिरने के बाद फिर घर वाले सभी लोग बाहर निकालने के बाद फिर मींजे कूदे, फिर बाहर लेके आए, फिर दवा खाना ले गए, जिला अस्पताल लेके गए, धुमलिया लेके गए। डॉक्टर ने मृतक जी, आप कौन थी? वो जी मेरी वाइफ थी, मेरा भाई था। क्या शादी वगैरह भी थी भाई की? जी हाँ, भाई की शादी थी 20 मई को। 17 मई की घटना। बेटा वगैरह कितने साल का? जी 7 साल का एक लड़का है हमारे पास। आप आपकी पत्नी? जी। क्या नाम है? पूनम तिवारी, आशीष तिवारी। भाई का नाम क्या था? जो सुनील तिवारी। किस गांव का मामला है ये? उचाहपाली। उचाहपाली पूरे कुर्मी का। पूरे कुर्मी का। कल रात लगभग 11 बजे ग्राम उचाहपाली थाना इनायत नगर में पूनम तिवारी, उम्र लगभग 30 वर्ष, घर के अंदर लोहे की अलमारी में करंट उतरने से उसकी चपेट में आ गई। उनको बचाने के प्रयास में उनके देवर सुनील तिवारी, उम्र 22 वर्ष, भी करंट की चपेट में आ गए। परिजनों द्वारा दोनों लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। शवों का पंचायतनामा कराकर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। हम बड़े पापा हैं उनके। हम लोग जो है फंक्शन में गए थे, फंक्शन वहां लौटे तो अपने दरवाजे सारा परिवार गया था वही फंक्शन में, वहां भी वर्षकाई भी थी। वहां से लौटे तो वहीं दरवाजे पाए, सभी से अपने दरवाजे पर गए। जब वहाँ लौटा तो घर से फ़ोन आया तो हम लोग भाग के गए, मैं अकेला ही भाग के गया तो दो बहू और मेरा लड़का, वो सब जो है बेहोशी अवस्था में पड़े थे। तो हम उनको बाहर निकाला, फिर और बाहर निकाला उसको, फिर दूध दवा पानी जो पिलाना था गर्म पानी पिलाया, फिर वही होश नहीं आया। तो हुआ कि इसको ले चलो अस्पताल, इनायत नगर अस्पताल ले आया, वहाँ पर मृत घोषित कर दिए। तो हम लोगों का जी नहीं माना तो हम लोग वहाँ जिला में ले आए, फिर जिला में ले आए तो वो भी जो है कहीं है नहीं, पंडित जी इसको आप वापस ले। कैसे घटना घटी है? बिजली? हाँ, ये बिजली जो है ये आलमारी थी, आलमारी चूहा जो है आलमारी के अंदर से तार गया था बाहर से, तो वो तार चूहे ने काट दिया था, किसी को मालूम नहीं था। तो वो आलमारी जैसे वो बहू ने हाथ लगाई तुरंत तो उसको झटका मार दिया, तुरंत तो गिर गई। तो जो लड़का था वो भी दौड़ा तुरंत, और बाहर जो है लोग लड़कियां जो है गीत गा रही थी सब, उनको आवाज़ भी नहीं गई। आज दोनों आदमी से गिर गए तो एक लड़की उसमें से मेरे जो है छोटी लड़की गई, वो देखी तो आवाज़ लगाई,
तो जो आवाज़ लगाई सब पूरा गांव पे है, परिवार आ गया। फिर क्या कोई कार्यक्रम वगैरह भी था? कार्यक्रम जो है शादी थी। किसकी शादी थी? वही लड़की की, सुनील की शादी थी। सारा शादी का तैयारी चल रही थी? सब पूरी तैयारी बिल्कुल चल रही थी, 20 को उसकी शादी होनी थी। क्या नाम है आपका? ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।